आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ गैस के बारे में। आज हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे गैस किन किन कारणों की वजह से बनती है, उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, और जब गैस हो पेट में तो उसमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए उस बारे में। अगर कॉजेज देखेंगे तो ड्रिंकिंग एक्सेस एयरेटेड ड्रिंक्स, माने जो भी कोको कोला हुआ या स्प्राइट हुआ, थम्सअप हुआ, उसमें बहुत सारी एयर फील्ड होती है जो पेट में गैस प्रोड्यूस करती है, तो उसके वजह से भी हो सकता है। ईटिंग पैक्ड फूड, जो भी प्लास्टिक वगैरह में खाना मिलता है, पैक्ड फूड मिलता है, वेफर्स वगैरह, तो उसमें भी बहुत सारी हवा रहती है, एयर रहती है, तो उसके वजह से भी गैस हो सकती है। ईटिंग मोर फ्राइड और ऑयली फूड, लेट नाइट वर्क, तो जो रात देर रात काम करते हैं लैपटॉप पे वगैरह, तो उनका जो खाने का टाइमिंग होता है वो बहुत चेंज हो जाता है, लेट नाइट खाना खाते हैं या कुछ भी ऐसी फास्ट फूड खा लेते हैं, तो उसके वजह से भी बन सकती है। लेस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ना करना या ओवर ईटिंग, ये सब कारण होते हैं गैस बनने के। ट्रीटमेंट में देखेंगे तो इसमें टैब बेस्टो एंजाइम देना चाहिए, और बेस्टो एंजाइम, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड डाइजेशन में काम करते हैं, तो इसलिए दी जाती है। ये दिन में दो बार ले सकते हैं। टाइप गैनाटोन 50 mg, इसमें आइटोप्राइड हाइड्रोक्लोराइड होता है, और ये प्रोकाइनेटिक जैसे काम करती है, माने जो भी पेट में खाना है इंटेस्टाइन में उसको आगे पुश करती है। ये दिन में तीन बार ले सकते हैं। कैप्सुल पैंडी में पेंटापेराजोल और डोमपेरिडोन, एंटी एमेटिक एंड एंटा एसिड का कॉम्बिनेशन है, या ये भी दिन में एक से दो बार ले सकते हैं। टैब बैंडी में एल्बेंडाजोल होता है और ये एंटा पैरासाइटिक है, तो ये स्टैट में एक गोली स्टार्टिंग में लेनी चाहिए। 2 tablespoons इनो इन ग्लास ऑफ वाटर, इनो जो होता है वो 2 चम्मच पानी के ग्लास में लेके उसको पी सकते हैं, तो वो भी गैस कम करती है पेट में। कभी कभी गैस कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हो सकती है, तो अगर कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को तो उसको सिरप क्रिमेफिन दे सकते हैं हम 15 से लेके 30 ml तक, दिन में एक बार, रात में एक बार। टैब गैसेक्स 1 एक टैबलेट दिन में 3 बार, ये एक आयुर्वेदिक टैबलेट होती है, तो ये भी बहुत अच्छा असर दिखाती है गैस पे। तो ये बेसिक ट्रीटमेंट है गैस के लिए। अगर डाइटरी एडवाइस में देखेंगे हम तो हमें जो भी इजीली डाइजेस्टेबल फूड होता है वो खाना चाहिए, जैसे चपाती अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि उसमें गेहूँ से बनी होती चपाती, और गेहूँ बहुत डाइजेस्ट होने में बहुत समय लेता है, तो उसको नहीं लेना चाहिए। उसकी जगह रोटी जो जवार की बनी होती है वो खा सकते हैं। वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खा सकते हैं जिसमें, क्योंकि उसमें लार्ज क्वान्टिटी में फाइबर होता है और वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो ले सकते हैं। समोसा, नमकीन, पोटैटो, चिप्स, ये सब अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ऑयली होते हैं, तो ये सब नहीं खाना चाहिए। एयरेटेड ड्रिंक्स जो भी आपको मैंने जैसे पहले बताया है, कोको कोला वगैरह, स्प्राइट वगैरह, वो सब भी नहीं पीना चाहिए। स्मोकिंग बहुत हानिकारक है, मीन्स स्मोक करेंगे तो वो पेट में जाती है गैस उसकी, और वो भी कॉज कर सकती है, उसको भी अवॉइड कीजिए। ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, और खाने के बाद डायरेक्ट नहीं सोना चाहिए क्योंकि डाइजेशन बहुत प्रभाव पड़ता है डाइजेशन पे खा के डायरेक्ट सोने में, तो थोड़ा वॉक वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह आज हमने देखा कि गैस किन किन कारणों के वजह से होता है, ट्रीटमेंट क्या क्या देनी चाहिए, और डाइटरी एडवाइसेस।